ये है लोधी गार्डन। कितनी मोटी जड़ है इस पेड़ की। ये बड़ा गुंबद इसे कहते हैं और ये राइट साइड में हमारी मस्जिद है। इस लोधी गार्डन में एक बोनसाई पार्क भी है जहां पर आपको बहुत ही खूबसूरत और अच्छे किस्म के पौधे और राष्ट्रीय बोनसाई उद्यान के नाम से यहां पर है। ये है इनका बोनसाई उद्यान जहां पर बहुत पुराने पुराने पेड़ और पौधे आपको मिल जाएंगे। ये देखिए आपने, आप इनके बोनसाई को आप ये देखिए, आप इसके ऊपर नेम स्लिप तो जरूर लगी हुई है लेकिन वो इतना मिसप्रिंट है उसके ऊपर। ये देखिए बोगनवेलिया है, ये भी बोगनवेलिया है। ये काफी बड़े हिस्से में इन्होंने बना रखा है। ये देखिए ये बरगद का पेड़ है, इसका कोई इनका वैज्ञानिक नाम कुछ और है। ये इस लोधी गार्डन में ही एक हिस्से में इन्होंने बना रखा है। ये देखिए आप, इस पेड़ को देखें आप, ये पीपल का पेड़ है। ये इस पर कोई नेम स्लिप नहीं लगी है कि इसका जो नाम होता है, जो एक वैज्ञानिक नाम कह लीजिए या जो भी कह लीजिए, वो इस पर कोई नेम स्लिप तो नहीं लगी हुई है। और इस पेड़ के बारे में आप क्या कहेंगे, ये देखें आप, कितनी मोटी जड़ है इस पेड़ की। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज मैं फिर आपके सामने एक नई वीडियो के साथ हूं और मैं इस वक्त मौजूद हूं लोधी गार्डन में। जो लोधी गार्डन जो है, ये सिकंदर लोधी का यहां पर मकबरा भी है और उसमें उनकी कब्र भी बनी हुई है, लेकिन उसी से लगा हुआ एक यहां पर बोनसाई इनका एक गार्डन है जो हमने सोचा आपको उसको दिखा दें। तो ये साइड में हम जहाँ खड़े हुए हैं, ये बोनसाई, ये गार्डन है, ये आप पेड़ जो देख रहे हैं ये सब, तो ये सारी चीज़ें हैं। तो अभी यहाँ से निकल करके हम आपको मकबरे की तरफ लेके चलेंगे जो उनका वहाँ गार्डन भी बना हुआ है काफी। तो दोस्तों, इससे पहले कि हम लोग आगे बढ़े, आपसे फिर वही गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें और लाइक और शेयर करना भी ना भूलें। और तब तक आइए हम आपको लेके चलते हैं कि अब चूंकि बोनसाई गार्डन था, ये हमने आपको दिखा दिया है, और अब आपको लेके चलते हैं हम गार्डन की तरफ, जो मेन इनका जो मकबरा है वहां तक हम आपको लेके चलते हैं। तो आइए चलते हैं। इसमें कुछ हिस्से में बच्चों के लिए झूले वगैरह भी लगे हुए हैं। खान मार्केट और सफदरजंग के बीच में है और ये पूरा लोधी गार्डन जो है वो तकरीबन 90 एकड़ में फैला हुआ है। ये आप देखें बच्चों के झूले हैं और ये चूंकि साउथ दिल्ली कह लीजिए या सेंट्रल दिल्ली कह लीजिए उसके में बना हुआ है, तो ये सुबह ही ये खुल जाता है क्योंकि यहाँ पर लोग मॉर्निंग वॉक करने के लिए आते हैं। तो इसकी टाइमिंग सुबह की 6 बजे की है खुलने की। और यहाँ पर जो पार्किंग है वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट है और अंदर आप यहाँ पर खाने पीने का सामान भी ला सकते हैं। ये है लोधी गार्डन में जो मकबरा बना हुआ है उसके बाहर का व्यू। जिस गार्डन में भी आप चले जाएं या जिस मकबरे में भी आप चले जाएं, तो मेरे ख्याल से दिल्ली का हर स्कूल
कि बच्चे वहां पर आपको नजर आ जाएंगे और यहां पर भी सैकड़ों की तादाद में बच्चे मौजूद हैं। ये मकबरा उसी के पीछे के हिस्से में है, इसके बारे में भी अभी हम आपको बता रहे हैं। ये बड़ा गुंबद इसे कहते हैं और ये राइट साइड में हमारी मस्जिद है और ये भी जो आप देख रहे हैं ये भी किसी की कब्र है, जिसके ऊपर कोई ऐसा नेम स्लिप या नेम प्लेट नहीं लगी हुई है कि इससे पता चल सके। ये है बड़ा गुंबद। लोधी गार्डन का जो मेन जो ये गुंबद है वो ये है। इसके अंदर आप देखिए बहुत ही ऊंचा गुंबद है ये, और जैसे कोई सपोर्ट नहीं है, जो भी इनका तरीका होगा गुंबद को रोकने का उसका इस्तेमाल किया गया है। और ये इसका यहाँ पर कोई किसी की मजार या कोई कब्र नहीं है। स्कूल के बच्चों की वजह से बहुत डिस्टर्बेंस है। ये भी आप मेहराब देखिए, इसकी नक्काशी को आप देखिए, देखिए इसके मेहराबों में खूबसूरत नक्काशी आप देख सकते हैं। ये जो अभी हमने आपको दिखाया ये बड़े गुंबद का हिस्सा था और इसका निर्माण 1451 से 1526 में हुआ है। इसी बीच में हुआ है कहने का मतलब ये है, लेकिन इसके बारे में अभी कुछ कंफर्म नहीं है कि इसमें किसकी मज़ार है या क्या है। अभी हमने आपको ये दिखाया कि ये जो सामने आपको दिख रहा है ये भी किसी की मज़ार है, लेकिन इसके बारे में कुछ पता नहीं है कि ये किसकी मज़ार है। और ये उसी के सामने जो है ये दालान टाइप की बनी हुई है मेहराबदार, और इसी के जस्ट अपोजिट में सामने की तरफ ये मस्जिद बनी हुई है। ये सब भूरे पत्थरों से बनी हुई है और इसके ये कमरा ये देखें गोल कमरा है, इसकी गोल छत और ये एक छोटी सी अलमारी है। इसी की तरह वो सामने भी एक कमरा बना हुआ है बिल्कुल इसी तरह का। इन पत्थरों में पता नहीं कितनी तारीख या किस तरह की तारीख छिपी हुई है जो अभी भी अधूरी है और अनजान है। सूरत मस्जिद जिसके बड़े बड़े मेहराबों पर कुरान की आयतें लिखी हुई हैं, लेकिन अब इसकी बेहुरमती हो रही है, लोग चप्पल पहनकर इसमें जाते हैं, न जाने कितने सजदों की, कितने लाखों सजदों की यह गवाही दे रही होगी। लेकिन अब इस वक्त ये सिर्फ एक टूरिज्म का हिस्सा बनकर के रह गई है। ये देखिए किस तरह से पत्थरों पर काट करके कुरान की आयतें लिखी गई हैं और नक्काशी भी है उसके साथ साथ। सारे मेहराबों में इसी तरह का आपको डिजाइन और फूल पत्तियों का और कुरान की आयतों की लिखावट आपको दिखाई देगी। और इसकी मेन मेहराबों में देखिए ये आप देखिए इसकी नक्काशी, जहां पर वो नक्काशी नहीं कर पाया उन्होंने प्लास्टर से उसको बराबर कर दिया है। और ये मेन इमाम के खड़े होने का ये मेहराब है। अब हम तो जूते पहने हुए हैं इसलिए अंदर नहीं जा रहे हैं, इतनी तो लाज हमें रखनी ही पड़ेगी मस्जिद की। अब आपको मैं दिखाऊं कि इस वाले मेहराब में आप ये देखें कितनी बेहतरीन कितनी खूबसूरत नक्काशी की गई है और उस गुम्बद में भी ऊपर कुरान की आयतें लिखी गई हैं। बहुत ही खूबसूरत मस्जिद है, लेकिन अब ये पूरी तरह से लापरवाहियों का नतीजा है, जहाँ के फर्श टूटा हुआ है और इसकी देखरेख की कमी है यहाँ पर। ये इस पे जो यहाँ पर
एक प्लेट लगी हुई है पत्थर की, उस पर लिखा हुआ है बड़ा गुंबद मस्जिद। और ये जो है ये ऊपर जाने का रास्ता है, यहाँ से जीना जाता है ऊपर, सीढ़ियाँ ऊपर जाती हैं, इसे बंद कर रखा है। मस्जिद का निर्माण 1494 ईस्वी में किया गया था। और यहाँ जो शिलालेख लिखा हुआ है उसके अंदर एक चीज़ ये लिखी रहती है, जैसे ये जो हमने आपको बताया कि ये कुरान की आयतें हैं, तो उसमें ये लिखा रहता है कि अरबी भाषा में लिखा हुआ है, जबकि अरबी भाषा और कुरान की आयत में बहुत ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। और आइए अब आपको लिए चलते हैं सामने वाले गुंबद पे। ये जो इमारत आप देख रहे हैं इसे शीश गुंबद के नाम से जाना जाता है, और इसके एक साइड में एक मेहराब बनी हुई है जो मस्जिद का भी काम देती थी। और ये दो इमारतें आमने सामने ये बनी हुई है, एक ये इमारत सामने और दूसरी ये इमारत है। आइए आपको अंदर से हम दिखाते हैं इसको। इस गुंबद के अंदर 8 पक्की कब्रें बनी हुई हैं और एक बहुत बड़ा यह हॉल है। और ये जो इसके सामने एक पश्चिम की तरफ ये एक मेहराब बनी हुई है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये जो मैंने अभी आपको बताया कि हो सकता हो यहाँ पर नमाज भी होती हो और इस मेहराब का मतलब भी यही है। अब ये गुंबद जो आप गोल आकार का जो देख रहे हैं, इस गुंबद के अंदर कोई ख़ास नक्काशी तो नहीं दिखाई दे रही है, लेकिन ये इतना ज़रूर है कि जो गुंबद के जो ऊपरी हिस्से हैं उसमें जो ट्रेडिशनल जो ताक की तरह जो बना होता है वो ज्यादा दिखाई दे रहा है। ये जो आप देख रहे हैं ये दीवार की यहां से यहां तक चौड़ाई है, और मेरा यहां तक ख्याल है कि 3 मीटर से कम नहीं होगी इसकी चौड़ाई। ऐसे ही ये चारों तरफ इसकी चौड़ाई आप देखिए, आप ये देखिए इसकी दीवारों की चौड़ाई, ये देखिए आप चौड़ाई इसकी, ये देखिए वहाँ से लेकर के यहाँ तक इसकी चौड़ाई है। और ये मेहराब खुले हुए हैं जिससे बहुत ही ठंडी हवा अंदर की तरफ आया करती है। ये मकबरे का बाहरी हिस्सा है, और ये जो आप देख रहे हैं ये सीढ़ियां हैं अंदर जाने की, और ये तकरीबन जमीन से ये 3 से 4 फीट ऊंचा होगा। और ये एक मिट्टी के एक काफ़ी ऊंचा एक टीला टाइप का है जिसके ऊपर यह मकबरा बना हुआ है, जैसा कि आप ये देख रहे हैं। और यहाँ कुछ लोग ये फोटो शूट करते हुए। वैसे दोस्तों मैं एक बात आप लोगों को बताऊं, ये सब चीज़ें ऐसी ऐतिहासिक हैं जहाँ की हिस्ट्री जो है वो बहुत ज़्यादा ऑथेंटिक नहीं है, सिर्फ एक कयासाराई ही हो सकती है। अब जैसे कि अभी हमने आपको वो जो 6-7 कब्रें दिखाई, उस कब्रों के बारे में किसी के बारे में मालूमात नहीं है कि वो कब्र किसकी है या उसमें के कौन उसमें दफन है। और ये चारों तरफ इसके बहुत बड़ा बाग है, तो अभी हमने आपको जैसा कि बताया कि 90 एकड़ में ये फैला हुआ है। ये बहुत बड़ा एक गार्डन है और इसमें हजारों की तादाद में पेड़ हैं, ये आप देख रहे हैं इसके चारों तरफ। और इतना बड़ा इसका एरिया है कि आप चलते चलते थक जाएंगे, लेकिन बहरहाल तारीख को जानने के लिए कुछ तो पैदल चलना ही पड़ेगा। नाजरीन, इस लोधी गार्डन में एक झील भी बनी हुई है इसी गार्डन के अंदर है, जो काफी लंबी और काफी दूरी तक गई हुई है। और ये आगे जा करके सिकंदर लोधी का जो मकबरा है उसके पीछे तक ये चली गई है, और उसी के बगल में एक डक हाउस भी बना हुआ है, अभी हम आपको दिखाएंगे उसको भी। ये देखिए एक छोटा किलेनुमा एक और यहाँ पर मकबरा दिखाई दिया है, चलते हैं अंदर देखते हैं क्या है। ये यहाँ पर एक शिलापट लगा हुआ है, उस पर लिखा हुआ है सिकंदर लोधी का मकबरा। हर मकबरा इनका ऊपर चढ़ने के बाद ही आता है, ये देखिए ये ऊपर पहुंचने के बाद ये खंडहर नुमा गिरा हुआ तकरीबन
ये बिल्कुल जैसे जंगल के बीचों बीच में ये बना हुआ ये मकबरा, ये है सिकंदर लोदी का ये मकबरा। ये लोदी वंश के दूसरे नंबर के ये सम्राट थे। ये है इनका चारों तरफ से बना हुआ पार्क और दीवारें। ये आठ कोनों पर बना हुआ है ये पूरा मकबरा। ये आपको हम अंदर हाथ डाल करके दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ये है उनकी मजार और ये अंदर का हिस्सा है। इधर से साफ तौर पर नजर आ रहा है ये सिकंदर लोदी की जो मजार है। ये बीच में मेन गुंबद है, उसके चारों तरफ गोल आकार में दालान बनी हुई है जिसमें बड़े बड़े मेहराब, और उसके चारों तरफ पार्क नुमा, और ये दीवारें, ये जो आप देख रहे हैं चारों तरफ इसके दीवार है। ये देखिए जो पिलर है इसके, ये कितने चौड़े चौड़े पिलर हैं। ये तकरीबन इस पिलर की जो मोटाई है वो 1 मीटर है तकरीबन। ये जो आप सामने देख रहे हैं ये हिस्सा, ये मस्जिद का मेहराब है। जो खुली हुई मस्जिद एक बनी हुई है और उसमें छोटा सा मेहराब आपको नजर आ रहा है, और ये जो फर्श आप देख रहे हैं उसी मस्जिद का ये फर्श है। और ये इसी जो कैंपस है जहाँ पर सिकंदर लोधी का ये मकबरा बना हुआ है, हम बाहर से आपको जो दिखा रहे हैं, ये इसी कैंपस में ही इस तरह की एक मस्जिद बनी हुई है। अब ये सिकंदर लोधी का जो ये मकबरा है, इसमें जो आदमी दफन है, यानी सिकंदर लोधी, जिसके बारे में हिस्ट्री कहती है लोधी वंश, जिनका एक वंश चला है इस भारत पर हुकूमत का, और जिनकी हुकूमत यहाँ से लेकर के अफगानिस्तान तक थी। आज ये देखिए कितने सन्नाटे में ये कब्र बनी हुई है और वो सो रहा है इस कब्र के अंदर। और इतना हुकूमत करने के बाद, पूरा सम्राट होने के बावजूद भी आदमी आज खामोशी से यहाँ पर सो रहा है, जिसको याद करने वाला भी कोई नहीं है। ये इतनी अंदर इनका मकबरा बना हुआ है लोधी गार्डन में कि आम आदमी की पहुंच यहां तक नहीं हो सकती है। ये बहुत सारी बतखें यहाँ पली हुई हैं, और इसी झील के किनारे ही इनका ये जाल बना हुआ है जिसमें ये रहती हैं। नाज़रीन, आज का ये व्लॉग मैं यहीं पर एंड करता हूँ। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने की एक बार फिर मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें, ताकि इस तरह की जितनी भी इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ हों वो आप तक उसकी इंफॉर्मेशन पहुँच जाए। बातें और भी हैं, जानकारी और भी है, लेकिन आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए आप अपना और अपनों का ख्याल रखें, खुश रहें, सलामत रहें। मिलते हैं अगले ब्लॉग में।